नमस्कार साथियों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल अभी में तो मित्रों यहां पर आपको बता दें कि आज फिर से दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामले को लेकर के आप लोगों के बीच में हूं और आपको बता दूं कि यहां पर एक और दोस्तों विज्ञप्ति जारी की गई है इसी शिक्षक भर्ती को लेकर के दोस्तों इस बार क्या हुआ है खास तो आपको बता दें कि इस बार दोस्तों जो उनहत्तर आपकी जो शिक्षक भर्ती होनी थी उसमें आपके जो कुल टोटल आपके जो यहाँ पर आ, कुल एक लाख छियालीस हजार साठ अभ्यर्थी दोस्तों जो यहाँ पर पास हुए थे उनका दोस्तों पूरा डेटा लेकर के परिणाम अंक के साथ में उसका पीडीएफ दोस्तों अपलोड किया गया है और यहाँ पे और कुछ और भी खास है तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है बड़ा क्यों आखिर ये डिसीजन लिया गया है क्यों ये विज्ञप्ति आप लोगों के लिए जारी की गई है आइए इस पूरी न्यूज को आपको बताते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा ये आप देख सकते हैं कि विज्ञप्ति जारी की गई है उनहत्तर हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के सत्यापन के संबंध में दोस्तों अब बात मुद्दे की यह है कि यदि यहां पर सिर्फ उनहत्तर हजार का डेटा लिया गया होता तो ये बात अपने आप में खास नहीं होती लेकिन यहां पर सारे अभ्यर्थियों का जितने अभ्यर्थी आपके दोस्तों पास हुए थे उन सभी का यहाँ पर डेटा लिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर एक संशय या यहाँ पर एक सवाल यह उठ जाता है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अः कुछ इस भर्ती को लेकर के कुछ घोटाले की भी खबरें दोस्तों यहाँ पर आई थी बीच में तो उसी के संबंधित आप समझ सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर फिर से एक जांच प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है ये बात दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से एक गुप्त जांच कमेटी आप कह सकते हैं एक गुप्त तरीके से इसकी जांच कराई जा रही है फिर से जहां पर आपके पूरे जितने भी अभ्यर्थी दोस्तों पास हुए थे उन सब का एक बार फिर से पूरा डेटा चेक किया जाएगा जो भी प्राप्तांक है उनके सारा सत्यापन फिर से किया जाएगा तो इसी के संबंध में ये नोटिस है और आपको बता दें कि आपका जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर पूरा दोस्तों उसका पीडीएफ अपलोड किया गया है तो आप सम, उसका पीडीएफ आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों है उसमें मैं उसको सेंड कर दूंगा तो आप पूरा क्योंकि दोस्तों वो बहुत बड़ा पीडीएफ डी एफ है आ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उस चीज को बताने में बहुत समय लगेगा लगभग अड़तालीस सौ पेज का दोस्तों पी है वो तो मैं उसको तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वहाँ से दोस्तों उस पी को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने नाम और अपनी डिटेल को अच्छी तरह से अब आपको बता दें कि इसमें क्या खास है तो महोदय विषयक उन्हात्तर सहायक अध्यापक नियुक्त प्रक्रिया के तृतीय चरण की गतिमान काउंसलिंग के अंतर्गत मतलब थर्ड काउंसलिंग, चयनित कतिपय अभ्यर्थियों के सहायक अभ्यर्थी परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम की प्रति उपलब्ध न होने के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दूरभाष पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांकों की सूची है दोस्तों उसको वेबसाइट के माध्यम से सत्यापित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और उक्त दिए गए निर्देश के क्रम में ये बात अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा दो के जो घोषित परीक्षा फल दिनांक बारह पांच दो तो में उत्तीर्ण एक लाख छियालीस हजार साठ अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का विवरण विभागीय वेबसाइट दोस्तों आपकी वेबसाइट आप देख सकते हैं इस पर भी उपलब्ध है तो आप वहां से भी दोस्तों जाकर के देख सकते हैं उक्त वेबसाइट के माध्यम से आप सहायक अध्यापक जो ये भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तों का सत्यापन वहां पर किया जा सकता है तो तो दोस्तों अभी तक ये बात भी भी थी बहुत लोगों अपना अपना नहीं मिल रहा था तो आप इस पीडीएफ के द्वारा देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी थी पीडीएफ से संबंधित जो कि मैं आपके बीच लेकर के आया था ये विज्ञप्ति जारी हुई थी महत्वपूर्ण विज्ञप्ति है आप सभी के लिए और आपको बता दें कि ये दोस्तों अभी अभी ये जो है जो बहुत खास न्यूज है ये इसलिए खास बन जाती है क्योंकि यहां पर मैंने जैसा कहा कि सारे अभ्यर्थियों का डेटा लिया गया है तो इस वजह से शायद यहां पर संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि सत्यापन के संबंध में ही दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी की गई है तो दोस्तों उम्मीद करूंगा इस दी हुई जानकारी से आप पूर्णतया संतुष्ट होंगे और आपको एक मिनट में आपको ये दिखा दूं आप यहां देख सकते हैं ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहां पर जो ये पीडीएफ अपलोड किया गया है ये अपलोडेड दोस्तों पीडीएफ है आपका तो आप इसको देखिए कि ये अपलोडेड पीडीएफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे अभ्यर्थियों का डाटा आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन ये असिस्टेंट टीचर एग्जाम 2019 क्वालिफाइड कैंडिडेट लिस्ट ये पूरा दोस्तों कैंडिडेट लिस्ट है आप देख सकते हैं चार हजार आठ सौ अट्ठारह पेजेस का ये दोस्तों लिस्ट है और इसमें सारे अभ्यर्थी जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका डेटा आप देख सकते हैं यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं कि आप यहां पर देखिए कि आपको यहां पर दोस्तों आपका रोल नंबर मिल जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट तो आप समझ जानते हैं नेम फादर्स नेम कैटेगरी दी हुई है रिजर्वेशन कैटेगरी का कुछ जो भी है या टोटल स्कोर कितना था और रिजल्ट सारे इतने सारे मेन पॉइंट मेन आपका ये जो जितना भी डेटा था सब कुछ आपके सामने है आप सर्च कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप यहां से भी दोस्तों सर्च कर सकते हैं ये आप इस सर्च बॉक्स पे आप जा करके डायरेक्ट अपना सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों को मैंने बता दी है उम्मीद करूंगा इस दी हुई जानकारी से पूर्तिया संतुष्ट होंगे कि संतुष्ट हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक बार जरूर शेयर करें अपने साथियों तक पहुंचा दें और पहली बार आए हैं तो आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन को जरूर टच करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिन